आज हम घर पर ही मिट्टी के तंदूर के पेस्ट वाली तंदूरी रोटी गैस स्टोव पे बनाना सीखी। तो हेलो एवरीवन, माय चैनल होगा जरूर। सबसे पहले स्टार्ट करते हुए एक नरम आटा होल व्हीट ग्रेन का गूंद लें। आजकल घरों में मिट्टी के तंदूर तो नहीं होते, लेकिन गैस तंदूर से हम वही स्वाद घर में इस तरह से पा सकते हैं। तो हम नरम आटा गूंद कर 15 से 20 मिनट इसको सेट होने के लिए लीव कर देंगे। गैस तंदूर को प्री हीट कर लेंगे। गैस तंदूर को फुल फ्लेम पर रख देंगे। अगर आप इस गैस तंदूर के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के अंत में देख सकते हैं। गैस तंदूर फुल फ्लेम पर रख कर प्री हीट करने के लिए उसको चेक करेंगे, और उसे चेक करने के लिए गैस तंदूर के ऊपर कुछ बूंदे पानी की छिड़केंगे। तो इस तरीके से बूंदे जब ऊपर ही रह जाएंगी तो ये अभी गैस तंदूर रेडी नहीं है। 5 मिनट वेट करने पर हम फिर से इसको चेक करेंगे। चार से 5 मिनट हो गए हैं, तो आइए इस पर फिर से कुछ बूंदे डालकर चेक करें। जब ये तंदूर पूरी तरह से प्री हीट हो जाएगा तो इस पर बूंदे खिरक कर नीचे की ओर गिर जाए। So now, gas tandoor is ready. We can see the drops dropping down at once. अब टाइम है तंदूरी रोटी रोल। आम तवा रोटी से थोड़ी मोटी हम लोई लेंगे और इसे सूखा आटा परेशन लगाकर बेल लेंगे। हाथ से बढ़ाकर भी हम तंदूरी रोटी तंदूर में लगा सकते। तंदूर में जब भी हम लेयर्स पराठा स्टफ पराठा बनाएं तो रोटी थोड़ी मोटी ही बेलें। अच्छे से प्री हीट हुए हुए गैस तंदूर में बीचों बीच एक रोटी रख देंगे, वरना एक बारी में 3 से 4 तंदूरी रोटी तैयार की जा सकती है। इलेक्ट्रिकल तंदूर की प्लेट में भी बिल्कुल सेम विधि से तंदूरी रोटी बनाई जाएगी। पलट कर देख लेंगे। इस हेल्दी न्यूट्रिशियस नो फ्राई तंदूरी रोटी पर आप चाहें तो ऊपर से भी मक्खन लगा सकते हैं, वरना इसको इस तरीके से भी खाया जा सकता है। रोटी अकॉर्डिंग योर फ्लेवर एंड एंजॉय इट विद दाल मखनी, दाल फ्राई। द
तंदूरी रोटी इज रेडी सर्व एंड एंजॉय। Now it's time to know about gas tandoori. First of all, I would like to thank those who are liking my channel and subscribe those who haven't subscribed yet. तो ये गैस तंदूर के बारे में जानते हैं। गैस तंदूर का एक लिड रहता है और आप चाहें तो इस लिड के अंदर की तरफ भी रोटी लगा सकते हैं। उसके लिए हमें रोटी पर पानी एक साइड पे लगाकर यहाँ लगाना होगा। ज्यादा कन्वीनियंट वे इस नेट पर रोटी लगाने का होता है, जैसा कि हमने देखा, और इस नेट पर ऑयलिंग करके रखें ताकि ये रस्ट ना लगे। और नीचे की तरफ एक और थोड़ा थिक आयरन रेड फ्लेम को इवनली स्प्रेड करने के लिए रखा है। ये गैस तंदूर मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल तंदूर है तो आप उसमें भी सेम विधि से तंदूरी डिशेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।